हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वै इंस्टीट्यूट। तो आज हम IIT फाउंडेशन क्लास 7, 8, 9, 10, 11th साढ़े के लिए जो बेसिक मैथ्स का फॉर्मूला है, जो हम मैथ्स में भी यूज करते हैं और फिजिक्स में भी यूज करते हैं, उसकी बात करेंगे ना। बेसिक मैथ्स की जो फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूलों को हम कलेक्ट कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। और एक एक करके देखेंगे, सारा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक्चुअली ये हम IIT फाउंडेशन में यूज़ करेंगे। IIT फाउंडेशन जो फिजिक्स की बुक होती है या मैथ्स की, है ना, जो बच्चे पहले से ही IIT के लिए प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए है ये, ठीक है। तो सबसे पहले, अभी तक अगर आप 7, 8 में पढ़ रहे हो तो कुछ एलिमेंट्री अलजेबड़ा का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होता है। एलिमेंट्री अलजेबड़ा के लिए बात करते हैं, क्या क्या फार्मूला आप पहले से जानते हो और क्या क्या जानना चाहिए वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 6th क्लास में पढ़े होगे, 7th में पढ़े होगे, 8th में पढ़े होगे। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरा फार्मूला की बात करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बनता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एकदम याद रखना है। तीसरे फार्मूला की बात किया जाए, तीसरा फार्मूला अगर a प्लस बी प्लस सी की बात करें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की बात करें, तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ये फार्मूला है दूसरा फार्मूला। तीसरा बन गया। चौथा, अगर ऐसा कभी मिलता है a माइनस बी का होल और a प्लस बी का होल, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पांचवा, a प्लस बी का होल क्यूब, है ना। तो इस फॉर्मूला के दो फॉर्म मिलते हैं अपने को, इसको क्या लिखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। और यही फॉर्मूला ऐसा भी मिलता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² ये फैक्टर फॉर्म में है। और 6th नंबर की बात करें तो a माइनस बी का होल क्यू, यहाँ से देखिए ए क्यू जहाँ पे प्लस था सारे में माइनस कर लीजिए, सॉरी यहाँ प्लस होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस, है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, जहाँ भी माइन प्लस था सारे में माइनस कर देंगे। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ से प्लस माइनस माइनस 3a² b और माइनस माइनस प्लस 3ab² है ना, ये बना। अच्छा, 7th नंबर देखते हैं कि अगर आपसे दिया जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4ab। आप सॉल्व करके इसको देख सकते हो, यही बनने वाला है। और 8th नंबर की बात करें तो 8th नंबर में होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो 8, 9, 10 फॉर्मूला दिख रहा है, बेसिक एलिमेंट्री अलजेबरा है, ये हमारे फिजिक्स में यूज होंगे, ठीक है। दूसरा चीज आता है, अब आता है लॉग वाले फंक्शन के लिए, लॉगरिथम्स के लिए, है ना। जैसे ये अलजेबरा का फॉर्मूला, वैसे एक लॉग भी एक फंक्शन होता है। अब बेसिक अपने को इतना ही जानना है, आगे क्लास चलेंगे तो उसमें देखेंगे। ऐसे IIT फाउंडेशन वाले बुक में 1st चैप्टर में दिया हुआ है लॉग के बारे में, बहुत अच्छे से हाई लेवल तक, तो देखेंगे उसके। तो अगर ये e है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो 2.7183 ये e का वैल्यू होता है लगभग। दूसरा चीज, अगर इफ e^x = y है, ठीक है, तो अगर x लिखना होगा अपने को x, तो क्या हो जाएगा, इसको log, ये जो इसके नीचे था ये इसके नीचे आ जाएगा, log y बेस e बन जाएगा, है ना। और log बेस e होता है ना, तो इसको ln भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर, अगर 10^x = y है, है ना, देन हम x को क्या लिखेंगे, x = log y/10, यहाँ पे बेस, ये जो होता है वो बेस में चलाता है, ठीक है। अच्छा, 4th नंबर की बात करें तो log y/10 है ना। अब इसको e बेस करने के लिए, 10 बेस को e बेस करने के लिए 4343, है ना, log y/e, है ना,
10 बेस को ई बेस में बदलने के लिए लिखे। अब लॉग बेस ई को हम एल एन भी बोलते हैं, तो इसको 0.4343 एल एन वाई भी बोल सकते हैं। कुछ और भी प्रॉपर्टी है लॉग का, है ना, लॉग का प्रॉपर्टी और क्या क्या है सो देखते हैं। फिफ्थ नंबर में लॉग में बोलता है कि अगर लॉग में दो चीज प्रोडक्ट में होता है तो इसको तोड़ के लिख देते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। चलिए पांच नंबर हो गया। छह नंबर में क्या बोलता है कि अगर लॉग में दो चीज डिवाइड में होता है तो इसको लिखते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, सेवन नंबर में आइए। सेवन नंबर में ये बोलता है कि अगर लॉग में इसके पावर सर पे होगा तो हम क्या कर देंगे, इस सर वाले पावर को पहले ले लेते हैं लॉग एन लॉग ए। जैसे अगर लॉग टू पावर थ्री है तो इसके लिखेंगे थ्री लॉग टू। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए था पहले से। ठीक है, अब कुछ त्रिगो का भी फॉर्मूला मिलेगा, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन भी मिलेंगे जिसको अपने को याद रखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं जिसको एकदम अच्छे से याद रखना है। अब आइए ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, है ना, ये क्या क्या है ये बात करेंगे। और ये सारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हम बेस परपेंडिकुलर हाइट वाले भी देखेंगे, बेसिक मैथ्स में इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो जो बच्चे नहीं पढ़े होते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको बोलते हैं वन। ठीक है, दूसरा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है उसको बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये मिलता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद आता है साइन टू थीटा। साइन टू थीटा को लिखते हैं टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद आता है कॉस टू थीटा। अगर कॉस टू थीटा है तो उसको लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा या टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, है ना, या इसी को लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ इसको ये भी लिखा जा सकता है। कुछ और भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं इसके जो देखते हैं। अब अपने पास आता है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के लिए क्या करते हैं, साइन ए प्लस बी जब भी होगा तो इसके लिए क्या करेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए अगर यहां पे माइनस होगा तो साइन ए माइनस बी ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, पहला हो गया। दूसरा वाले फॉर्मूला में आते हैं कॉस ए प्लस बी, है ना, जब भी कॉस आएगा तो डबलेट तो बनाएगा, डबलेट का मतलब होता है कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए क्या करते हैं, जब कॉस में प्लस है सॉरी तो यहां होगा क्या माइनस, डबलेट तो होगा, प्लस में माइनस होता है और माइनस होगा तो यहां पे क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, ये हो गए। अब आइए आगे वाला फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी, ऐसा रहेगा तो ये फॉर्मूला बनता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये हो गया साइन सी प्लस साइन डी, और साइन सी माइनस साइन डी रहेगा तब क्या होता है टू साइन यहां पे प्लस वाले माइनस में बन जाएगा सी माइनस डी बाई टू, सॉरी यहां गलती लिख दिया, ये कॉस होगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी, यहां माइनस हुआ तो ये प्लस डी बाई टू। हमेशा याद रखना चाहिए साइन में डबलेट नहीं होगा, कॉस में डबलेट होगा, तो यानी ये साइन होगा तो ये कॉस होगा, साइन सी माइनस साइन डी हो गया। अब आइए कॉस सी माइनस कॉस डी के लिए, तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या बना टू साइन डी माइनस सी बाई टू इंटू
कॉस है तो साइन, दोनों कॉस में डबल एट होता है, साइन सी माइ सी प्लस डी माइनस, एक मिनट, कॉस सी प्लस डी की बात करें, पहले माइनस देखे तो चलिए, 2 sin d - c/2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू। एक्चुअल में ऐसा भी मिलेगा आपको कभी कभी, ये माइनस यहाँ रहेगा और ये सी माइनस डी मिलेगा, ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 - 2 sin c - d/2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू। अगर कॉस सी प्लस कॉस डी हो जाए तो यही फॉर्मूला बन जाएगा, 2 cos c + d/2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अब देखिए अगर यहां पे माइनस होगा तो दोनों साइन होगा, और अगर प्लस हुआ तो दोनों कॉस में होता है। आगे आता है tan 2 थीटा। टेन टू थीटा की बात करें तो ये होता है 2 tan θ / 1 - tan²θ। और अगर टेन ए प्लस बी हो जाए, ठीक है, टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, और यहाँ पे टेन ए इंटू टेन बी के जगह माइनस हो जाता है, टेन ए इंटू टेन बी में माइनस हो जाता है। लेकिन अगर ये माइनस बना तो ये माइनस बनेगा, बट यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसके बेसिक देख लिए। अब हम लोग एंगल में प्लस माइनस कैसे करते हैं, cos 90 - θ, sin 90 - θ, वो वाले नेक्स्ट एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे उसके लिए। तब तक के लिए थैंक यू।